अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो बच्चे आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम अपनी इंग्लिश की बुक स्टार्ट कर चुके हैं। हमने कल से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। हमारा फर्स्ट चैप्टर है फैजाज बिस्किट्स। ओके, हम इसकी रीडिंग कंप्लीट कर चुके थे। हम लास्ट पे बिल्कुल इसके पढ़ रहे थे कि फैजा को जो छोटी लड़की है वो बिस्किट्स देती है। ओके, उसके बाद फैजा क्या करती है, फैजा नेक्स्ट मॉर्निंग फैजा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैजा इज़ आउटसाइड, फैजा बाहर है, स्कूल से बाहर है। व्हाट इज़ शी डूइंग, वो क्या कर रही है। हु इज़ बाइंग समथिंग फ्राम हर, क्या कोई उससे कुछ ख़रीद रहा है। कि मीन के फैजा जो है नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल से बाहर क्या करती है, अपने बिस्किट जो है वो बेचती है। 10 ईयर्स लेटर, 10 सालों के बाद क्या होता है। आप बच्चे पिक में देख सकते हैं कि 10 ईयर्स लेटर, 10 सालों के बाद फैजा अपनी शॉप बना लेती है, बिस्किट शॉप्स, और लोग उसे बिस्किट्स ख़रीद रहे हैं। इट्स मीन कि अब फैजा पुअर नहीं रही, बल्कि वो अब अच्छी हो गई है, वेल हो गई है, अब वो हंगरी भी नहीं होगी। ओके, अब हमारा चैप्टर कम्प्लीट हो चुका है। अब हमने इसके क्वेश्चंस आंसर करने हैं। आप बच्चे अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें। आपने सबसे पहले ऊपर चैप्टर नेम राइट करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छी तरह नंबर 1 लिख के क्वेश्चन, फिर उसका आंसर, और बहुत नीट करके लिखना है। ओके, हमारा फर्स्ट, आप सब बच्चे अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सारे अपनी नोटबुक पर किए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फैजा जिबिस्की चैप्टर नेम, व्हाट डिड फैजा सी वन डे, फैजा एक दिन क्या देखती है। व्हाट डिड फैजा सी वन डे, फैजा एक दिन क्या देखती है। शी सा पीपल, वो देखती है लोगों को। गेटिंग आउट ऑफ कार, वो कार से बाहर निकल रहे हैं। एंड हैविंग अ बर्थडे पार्टी, और बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। वो क्या देखती है, वो देखती है कि लोग कार से बाहर निकल रहे हैं और फिर क्या करते हैं, फिर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। हु वेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। हु वेंट इन टू द रेस्टोरेंट, वाई, रेस्टोरेंट में कौन जाता है, हु होता है कौन, वेंट गया, इन टू द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में कौन गया, एंड वाई, और क्यों जाता है। आप सबको पता है कि रेस्टोरेंट में कौन जाता है, एक छोटी सी लड़की होती है, लिटिल गर्ल, और उसकी फैमिली, और वो क्या करने जाते हैं, वो पार्टी करने जाती हैं। ओके, द लिटल गर्ल एंड हर फैमिली, एक छोटी सी लड़की और उसकी फैमिली टू हैव अ पार्टी, क्या करने जाते हैं, पार्टी करने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द पीपल ईट एट द पार्टी, पार्टी पर लोग क्या खाते हैं। व्हाट डिड द पीपल ईट, खाते हैं एट द पार्टी, पार्टी पर आपको पता है कि लोग वहाँ पर क्या खाते हैं, आइसक्रीम, केक एंड बिस्किट्स, वहाँ पे लोग आइसक्रीम खाते हैं, केक खाते हैं एंड बिस्किट्स, और बिस्किट्स खाते हैं। ओके, हु गेव फैजा सम केक एंड बिस्किट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव, कौन देता है फैजा, फैजा को सम केक, कुछ केक एंड बिस्किट्स, और बिस्किट्स, फैजा को केक और बिस्किट्स कौन देते हैं। फैजा को केक और बिस्किट आप सबको पता है कि कौन देते हैं, आप बता सकते हैं। येस, द लिटल गर्ल, छोटी सी लड़की, द लिटल गर्ल, छोटी लड़की देती है। व्हाट डिड फैजा डू, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड फैजा डू द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह फैजा क्या करती है। शी सोल्ड, शी सोल्ड, वो बेचती है द बिस्किट्स, बिस्किट्स को आउटसाइड द स्कूल, स्कूल से बाहर। जो छोटी सी लड़की उसको बिस्किट देती है, वो अगली सुबह उन बिस्किट्स को स्कूल के बाहर बेच देती है। ओके, अब आप बच्चों ने इन सारे क्वेश्चंस को रीड कर लिया है। अब आप अपने नोटबुक पर इन क्वेश्चंस को लिखें, इनको याद करें, फिर इसका टेस्ट दें। ओके बच्चे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छा अच्छा पढ़िएगा। खुदा हाफिज़।